आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। बैठिया बेटा, आज मैं यहाँ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ। आज आप ये कह सकते हैं कि मैं देवगन फिल्म्स का बहुत ही पुराना एम्प्लॉय हूँ, उस हैसियत से आया हूँ। मेरी कहानी की जर्नी एक नाम के बिना अधूरी है, और वो नाम है अजय देवगन। आप सब उसे अजय देवगन कहते हैं, मैं बॉस कहता हूँ। 30 साल साथ बिताया हम लोगों ने। ये रिश्ता चंद फ्राइडेज का नहीं है, 2 जनरेशन का है। और आज मैं यहाँ इसीलिए हूँ कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये सपना अजय ने आज से 30 साल पहले देखा था, कि ऑडियंस के लिए एक ऐसा विजुअल क्रिएट करें कि उनके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस बन जाए। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब अजय का यह सपना पूरा हुआ, ये उनकी 100th फिल्म है। 100 फिल्में, 2 वर्ड, 100 फिल्म। लेकिन इसके पीछे 30 साल की जर्नी रही है इस इंसान की, डेडिकेशन रहा है, ऑनेस्टी रही है, कमिटमेंट रहा है। आप लोग अब जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आसान नहीं था। इसके पीछे पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। अजय सर की खुद की कंपनी NYVFX वाला, ओम राव द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय एज अ प्रोड्यूसर, सेफ, बहुत लोगों की मेहनत है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो एक्सपीरियंस करेंगे, ये आप लोगों ने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा। लेकिन उससे पहले जिस इंसान का ये विजन था, कंपनी फॉर्म करना, यहां तक पहुंचना, मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम अजय देवगन। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, सबसे पहले यहाँ आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यहाँ। और रोहित ने इतनी सारी बातें बोल दी हैं। मेरी जर्नी आई थिंक रोहित के बिना वैसे भी कंप्लीट नहीं होती। जब हमने काम शुरू किया था, ही जॉइंड एज एन असिस्टेंट, और तब से ही इज बीन पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं एक बात सच्ची कहूंगा कि आज तक इतना प्राइड मैं किसी में नहीं लेता हूँ जितना रोहित में लेता हूँ कि अ बॉय हु स्टार्टेड विद मी, आज देखिए आप कहाँ पहुंच गए। सिर्फ अपनी मेहनत से, लगन से, शुरू में सीख के, और अब आप सबने देखा क्या है। सो थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। और हाईलाइट ये है कि हमारी जर्नी 30 साल पहले जब शुरू हुई, हमारा ऑफिस सामने ही था, अभी भी है, सामने की बिल्डिंग में। मतलब कमाल की बात है, कभी सोचा नहीं था कि 30 साल बाद 100 फिल्म्स होंगी, यहाँ पहुंचेंगे, सामने आएंगे आप लोग के सामने। सर दिस वन थिंग अजय सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं, यहाँ सर को मैंने इतना इमोशनल, रोहित सर को इससे पहले कभी नहीं देखा है। यू नो ही इज लाइक सो ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दिस। आप मुझे बोले कि जब वो शुरुआत हो रही थी, जैसा उन्होंने कहा जर्नी की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय सर वो लड़कपन में कुछ वैसा अलग कोई किस्सा बनता है? मत पूछो, काम के अलावा जो हरकतें लोग बचपन में 15-16 साल की उम्र में करते थे, हम ऐसा 22-23-24 साल की उम्र में करते थे। मेरे डैड बहुत नाराज होते थे एक दूसरे की, हम बातें छुपाते थे, मार खाते थे एक दूसरे के लिए, डांट खाते थे, और एक दूसरे के लिए बहुत झूठ भी बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको झूठ बोलना है, सिर्फ अगर किसी को ट्रेलर पसंद नहीं आए तो वो झूठ बोलेगा कि बहुत अच्छा है, अदरवाइज वो झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। हार्ड वर्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, मैं कल से मतलब आपकी टीम से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो जो जोश जज्बा देखने को मिल रहा है, वी हैव नेवर सीन इट, एंड आई एम श्योर इसको देखने के बाद यहाँ भी वही जोश दिखेगा, वही जज्बा दिखेगा। सो सर विथ योर काइंड परमिशन चलिए प्लीज। सो इट्स टाइम वी एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच यू ऑल हैव नेवर सीन बिफोर, तानाजी द अनसंग वॉरियर। जज्बा सब लोग पहन लो, सबसे इंपॉर्टेंट जी, और ट्रेलर के बीच में कोई तस्वीरें नहीं खींचना, तस्वीर नहीं खींचना, चश्मा पहन लेना। 2 बार हम प्रोमो चलाएंगे, 1 बार खत्म होगा फिर चलाएंगे,
फिर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच. और जिन्होंने अभी भी चश्मा लगा रखा है, आपको हम 3D दिख रहे थे, सोच रहा हूँ. All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, here's presenting Tanaji. इसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे एंड आई'd लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द मैवरिक डायरेक्टर द अमेजिंग रोहित शेट्टी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर टाइम प्लीज, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. अरे सर आ गए एकदम सही था क्या? नहीं मैं तो चलिए अब जिसका विजन था, जिसने ये शुरुआत की, उसे स्टेज पे बुलाते हैं. प्लीज वेलकम अजय देवगन ऑन स्टेज. वो थैंक यू. आप एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगा कि जब भी ये दोनों साथ में आते हैं हिस्ट्री क्रिएट करते हैं. इससे पहले जब दोनों साथ में आए थे आप लोग, जब दोनों को साथ में देखा था वो था लंगड़ा त्यागी. यस प्लीज वेलकम सैफ. The ever so cool, the very talented Saif Ali Khan, ladies and gentlemen, come and make some noise. थैंक यू तैमूर. ठीक है नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच अजय. 100th फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी आई कुड बी इन इट विद यू. हमने पहली बार काम किया था कच्चे धागे में, तो बहुत अच्छी फिल्म थी. अच्छा आपको अच्छी लगी? बट ये मतलब मैं जानता हूँ अजय फिल्मों से कितना प्यार करता है और सब देख सकते हैं. अगर आप ये फिल्म देखेंगे, इट इज़ अ इनक्रेडिबल अचीवमेंट टेक्निकली. You need passion, you need to love your work. I am just very, very happy I could be part of your 100th film. Thank you so much for having me. I had a really good time. And एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि what I love about Ajay also is the kind of star he is, you know, like the systems that he supports. इतने सारे लोग हैं. जब मैंने शूटिंग की 20-30 साल पहले, मैं उस स्पॉट बॉय से, उस उन टेक्नीशियन से, लाइटमैन से मैं मिला था, और वो तब से काम कर रहे हैं अजय के साथ. ही सपोर्टेड लाइक सच अ मैसिव पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. सो आई ग्रेट ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग. थैंक यू सो मच. प्लीज. एंड व्हेन वी, जब हमने सोचा कि हु विल प्ले उदयवान, तो हमें कोई नाम समझ नहीं आ रहा था एक्सेप्ट फॉर सैफ, बिकॉज जो पर्सनालिटी और जो परफॉर्मेंस चाहिए था. एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. वेरी नाइस. ग्रेट. इट लुक्स अमेजिंग. आई हैवंट सीन अ 3D फिल्म सिंस. आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन वन विद ग्लासेस. आई वाज ऑलवेज रियल नर्वस अबाउट देम, यू नो, बट आई थिंक यू हैव डन इट. इट्स आउटस्टैंडिंग. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. चलिए अब वक्त है उन्हें बुलाने का जिनकी मैं एज अ डायरेक्टर जानता हूँ कि नींदे हराम हो गई होंगी इतना बड़ा विजन क्रिएट करने में. Please welcome our director, Om Raut. Come on, give it up for Om sir. Yaar, come on. Matlab banta hai isse pehle bhi. Question. How does it feel? Samajh mein nahi aa raha abhi kuch. I think it feels great. I mean, we've been trying to, you know, make this film. काफी टाइम हो गया एंड नाउ द फर्स्ट विजुअल्स आर सीन बाय एवरीबॉडी एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस लविंग इट एंड आई होप पीपल लव द फिल्म आल्सो वंस वी हैव डन विद इट. इट्स अ गुड फीलिंग. इट्स अ गुड फीलिंग. थैंक यू एवरीबॉडी. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा. मैं एक्चुअली उन्हें स्टेज पे बुला लेता हूँ. बहुत कमाल की आवाज है उनकी. उनकी आवाज का मैं भी फैन हूँ. शरद केलकर. जय शिवाजी. सर ये मेरे को पूछना, मैंने रोहित सर से कहा ये मैं पूछ के रहूंगा. प्लीज प्लीज टेल अस, यू नो, इतनी अहम भूमिका एंड दैट इज नॉट इजी टू प्ले ऑन द बिग स्क्रीन. यू नो इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, इतना जोश उन्होंने हम सब में भरा, इतना सब कुछ हम सब के लिए किया है. व्हाट डू यू हैव टू से? अगर मैं यहाँ किसी से भी पूछूं या किसी को भी ऑफर किया जाए रोल, उसके क्या हाल होंगे? वो मेरे थे फर्स्ट डे जब ओम सर ने मुझे बुलाया. बट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट दो बच्चे थे छोटे, एक लड़की थी कुछ 7-8 साल की. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के गेटअप में आया सीन करने के लिए, और उसने मुझे देखा 5-6 मिनट और एक चीज़ कही उसने, क्या आपका ही स्टैचू लगा हुआ एयरपोर्ट के बाहर? एंड आई सेड इट्स अनबिलीवेबल. मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था. इट वॉज ओनली हिज विजन, अजय सर विजन, जिन्होंने मुझे कास्ट किया, मुझे मौका मिला. और किसी भी एक्टर के लिए राजे का रोल करना
I think it's a lifetime opportunity, or thank you so much for that, and hope you will like it. And now, ladies and gentlemen, yahan pe, you know, I'd like to invite on stage someone who's bagged wonderful projects as always is samay bhi, and keh sakte wo khud ek warrior hai, aur box office pe matlab jinhone itni tod phod macha di hai ki kya karu, ek ke baad ek blockbusters. Ladies and gentlemen, the producer of this movie, give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. Zordar taaliyan. Ajay sir ke saath bahut kamal ka, you know, ek connection raha hai, collaboration kai baar kiya hai. And here he is. सबने कहा कि इसको ये इस चीज को back करना अपने आप में it's an honor. So कहाँ से लाते हैं सर इतने weapons? पहले तो ये बताएं आप. First of all, I want to thank Ajay sir. इन्होंने ये opportunity दी अपने dream project में मेरे को हिस्सा बनाने की. So thank you very much Ajay sir. आपने भरोसा रखा. And we will take this thing to different level, as I just told you outside. So I'm very excited as T series कि हमें इतनी बड़ी magnum opus को back करने का मौका मिला. So we are just very excited about that. And the smile says it all, you know. Yes. इस समय वो एकदम year to year smile जो है यहाँ पे. So it's time for a quick photo op, and then we'll take the questions, right? We good? Sir, एक सवाल भूल गया मैं. काजल मैम, अभी आपने देखा ताना जी कि जो आप जब आप फिल्म देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि बेटे की शादी होने वाली है और वो वॉर पे निकल जाते हैं अपना धर्म निभाने. So उसी तरह से इस वक्त काजल जो हैं वो सिंगापुर में निशा की जो पढ़ाई चल रही है तो वो वहाँ पर है. इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो ऑब्वियसली कोई एक पेरेंट को जाना था तो शी हैड टू गो. ऑलराइट. और स्क्रीन पे जब हमने उन्हें देखा वो मतलब वहीं पे सब लोग फ्लोर हो गए. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड फॉर दिस एंटायर अमेजिंग टीम ओवर हियर. रोहित सर, अब आप यहाँ पे आए. अब आपकी दूसरी भूमिका है. इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप. माइक जिसका सवाल उसका. यस सर. अजय जी, here at your center. सबसे पहले, what a trailer, amazing trailer sir. मतलब I literally got goosebumps. Congratulations, this is Ankita from Republic, and आपका 100th project है. बहुत amazing trailer है. एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भूमिका आपने भा रहे हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल भूमिका है इन द फिल्म. साथ ही आपको बहुत ही डेयर डेविल स्टंट्स भी हम करते देख रहे हैं, तो किस तरीके से उस चीज़ की प्रिपरेशन की और कितना स्पेशल है ये फिल्म आपके लिए? आई थिंक ये फिल्म अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग 100 फिल्म, वैसे ही इतनी स्पेशल है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप कोई फिल्म करते हैं, जैसे ताना जी जैसी फिल्म करते हैं, जब ताना जी की आप भूमिका निभाते हैं जो कि एक इतने बड़े वॉरियर हीरो रह चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. जैसे शरद कह रहा था कि शिवाजी राजे जब करते हैं तो यू नो, तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रे ना करें. तो सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एक्शन करना, स्टंट्स करना, अब काफ़ी मारे भी लगी हुई हैं, रोहित को भी पता है, इस वक्त मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन करना पड़ता है तो उसके लिए मेहनत करके कर लेते हैं. हाय अजय, दिस साइड लेफ्ट, या लेफ्ट, दिस साइड, या ट्रेलर इज ऑसम. मेरे ख्याल से ये एक इतिहास बनाएगी पिक्चर. अजय, ये जानना है, 30 साल पहले आपने सपना देखा था तो 30 साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था जो अब साकार करने का सोचा? जब हम सपने की बात करते हैं तो जब हम डिस्कस करते थे, हम ये डिस्कस करते थे कि हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, हमारे पास वो उस किस्म की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है. और सपना यही था कि किसी दिन हम इस किस्म की फिल्में बना सकें जो कि हम एट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सकें और बोलें कि देखिए हमारे पास बजट आपसे आधे से भी कम है, लेकिन फिर भी हम आपके लेवल तक पहुंच सकते हैं या शायद. तो सपना यही था क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास अगर इतने बजट में अगर हम ये क्वालिटी ला सकते हैं तो आप सोचिए कि हमारे टेक्नीशियन कितने ज़्यादा बेहतर होंगे. तो ये मुझे लगता है, और यही सपना था कि उन सबको सामने ला के हम ऐसी क्वालिटी दिखा सकें. एक एक वक्त आएगा और जब हम ये सपने की बात करते हैं तब तब फिल्म में आपको पता है कि किस क्वालिटी की भी बनती थी. हम कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो अब वो आ गई है. तो अब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो ये जो आप देख रही हैं ये आज साकार करने में उन सबका बहुत बड़ा हाथ है. जब
आई थिंक सोचना तो ये इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत मेहनत की इस पे. जब ओम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाया, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको कि इस लेवल तक कैसे लेके जा सके. और लकीली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है NYVFX वाला, जिनका काम आपको नज़र आता ही है और आज तक नज़र आता ही आया है. तो आई थिंक इन सब ने मिलके ये चीज़ें पूरी कर पाए. ओम ओम सैफ ओम ओम ट्रेलर आवडला, इम्प्रेसिव आहे अगदी. ओम इकडे 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 इकडे. ओके ओके थँक्यू. या सब्जेक्टसाठी केलेला स्टडी, मेहनत, अभ्यास याबद्दल थोडस पाहिजे. खूप डिटेल्स मध्ये गेला असणार या सब्जेक्टसाठी. हां, बहुत मेहनत की, बहुत स्टडी किया, बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारी पेंटिंग्स के ऊपर से इंस्पिरेशन ली है. एंड वी स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी इन 2015 when we started writing this film. Mr. Prakash Kapadia, who's the, as I say, that, you know, Chite ki chaal, baaz ki nazar aur baaji rao ki talwar jo line likhi hai, Prakash Kapadia ke kalam par koi sandeh nahi karte. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Sutar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. Har ye duniya banani padti hai, ye world banana padta hai. 1670 kisi ne dekha nahi hai. तो 1670 में वर्ल्ड कैसे था, वो वर्ल्ड क्रिएट करने में हमने बहुत टाइम निकाला. एंड ऐसे करते 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 बहुत सारी बुक्स से रेफरेंसेस लेके, बहुत सारी पेंटिंग से रेफरेंस लेके, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी कुड डू व्हाट वी कुड डू. सर, आंसर योर क्वेश्चन. सर, सैफ आपके लेफ्ट में इधर, यहाँ पे राइट में सॉरी. सबसे पहले तो ताना जी की बात करें तो बहुत टाइम के बाद हम एक बेहतरीन 3D फिल्म देखने वाले हैं, जिस तरह से हमें देखने को मिला. और सैफ, अगर हम आपके किरदारों की बात करें तो आपने कई सारे शेड्स निभाए हैं, बट उदय भान का किरदार एक बहुत ही अलग लेवल का है. उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज वो एकदम अलग, आपकी पर्सनैलिटी से टोटली अलग है. यू नो, मुझे इतना मज़ा आया फिल्म करते वक्त. हमने करियर में काफ़ी मेहनत की है, लाइव लोकेशंस में जाकर और यू नो बैक ऑफ बियॉन्ड में शूटिंग की है. तो हम लोग सुबह उठ के, मैं ड्राइव करता था, नो ट्रैफिक, स्ट्रेट टू फिल्म सिटी. वहाँ पे दो बड़े सेट लगे थे अजय देवगन फिल्म्स, एयर कंडीशनर चला हुआ था और सब ब्लू स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन चारों तरफ. हाँ, ओ नो, आई डोंट नो, बट तो मुझे इतनी कम्फर्टेबल शूट थी. और हमारे जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इतना फोकस किया मेरे ऊपर और एक मौका दिया कि 1, 2, 10, 15 टेक हम लोग करते थे वहाँ पे. 27 हम लोग मेहनत करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे. कभी कभी 20 टेक, 25 टेक भी किए हैं. तो ऐसा 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 मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है. और हमने उसको इम्प्रूव किया हमने. और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टेक, सेकेंड टेक अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक परफेक्शन के पीछे पड़े थे. हमने बहुत बहुत इतनी मेहनत में ये अपनी परफेक्शन के पीछे पड़े थे, लेकिन अल्टीमेटली फर्स्ट टेक या सेकंड टेक ही ओके लगे हुए. लेकिन बेसिकली डायरेक्टर ने बहुत बहुत मदद की मेरी. और फॉर यू टू ओनली डू सो मेनी टेक्स विद सो मच एनर्जी, आई हैड टू मच फन. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इट वाज अ लिटिल क्रेजी कैरेक्टर. एंड इट वाज ब्यूटीफुल फन. हेलो अजय सर. हाय. हेलो. हाय हाय अजय सर. हाय. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रेलर है और सभी को आई होप बहुत पसंद आया होगा. जय भवानी, जय शिवानी जी. सो जैसा कि हमने बताया, काफ़ी बुक्स से लिया गया, काफ़ी ड्राइंग्स रही, काफ़ी पेंटिंग्स रही, उससे काफ़ी कुछ निकाला गया. इस तरह के प्रेप रही, आपकी क्या प्रेप रही इस ताना जी के किरदार? वही जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया. प्रेप मेरी, आई फॉलोड माई डायरेक्टर. और देखिए, जो हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कैसे वो बिहेव करते थे ताना जी, कैसे वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है. तो वो आपको एक इमेजिन करना है और वो डिग्निटी मेंटेन करके करना है बेसिकली. जिस तरह हमने देखा ट्रेलर, बाहुबली से भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपके? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि हम किसी फिल्म से कंपेयर करें. हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अलग कहानी कह रही है. तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा काम कर लें. तो दैट्स इट. वेल, टुडे बीइंग मैंस डे, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मेन स्टैंडिंग ऑन द डाइस. टुडे इज मैंस डे. आज मैंस डे.
Happy man. A round of applause. Guys, a round of applause because we can see all men on the dais minus women. Okay. Sharad Khelkar, aap Shivaji ka role play kar rahe hain. Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji, I'm sorry. Chhatrapati Shivaji ka role play kar rahe hain. What is that one manly quality may have allured you? बड़ा मुश्किल है कहना बिकॉज किसी ने उन्हें देखा नहीं है या कहीं लिखा नहीं गया उनके बारे में. ये एक मेरा परसेप्शन है उनके बारे में या एक डायरेक्टर का एक विजन है उनके बारे में कि उनके छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे होने चाहिए. और मैंने उनकी बात रखते हुए अपने अंदर से जो मुझे लग सकता था कि जो सही बैठेगा उनके लिए मैंने वही किया है फिल्म के अंदर. एंड होपफुली जो फर्स्ट पोस्टर आया उसका जैसा रिस्पॉन्स है आई थिंक मैंने परीक्षा पास कर ली है. और मेरा गुजारिश है सभी से जो स्टेज पे खड़े हैं एक एक मैनली क्वालिटी जो आप लोग एडहर करते हो. मैं तो बड़ा हम्बल हूँ मतलब. डायरेक्टर साहब ये हम्बल तो इन्होंने चुरा लिया. पोलाइट. ओके. सबसे बड़ी मैनली क्वालिटी ये होती है हर इंसान की हर आदमी की मर्द की के वो अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को दे. भूषण जी भूषण जी भूषण जी आई कीप स्पेलिंग दैट्स क्वालिटी बेस्ट है. आई शेव माय आर्म्स. ओह ग्रेट. रोहित शेट्टी. हाँ मैम वही क्वालिटी. मैं आप बचपन से देख रहे हो आप ही बता दो. आप बताइए ना क्योंकि आपका अपनी फैमिली की को प्रोटेक्ट करना टेक केयर करना एंड सर सेट के औरतों की इज्जत करना. ओ दैट इंक्लूड्स योर मदर योर वाइफ योर सिस्टर. वेलकम टू यू. वेलकम टू यू. वेलकम. इसके वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल आपका कि जितने फिल्म में आई है उनसे एट पार है. बहुत अच्छा है. और मैं बता देती हूं कि ताना जी ऐसे एक ऐसे किरदार जिसको स्कूल लेवल में लोगों ने पढ़ा है चार लाइनों में और सिंह आलापन गढ़ सिर्फ 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 खराब बात यह है कि सिर्फ चार लाइनें ज्यादा होनी चाहिए थी. आई थिंक ओम आप बात करेंगे उसके बारे में अबाउट ताना जी. नहीं आप बोलो. बिकॉज एज अ डायरेक्टर ही स्पीक्स वेरी वेल अबाउट. शायद शाम दोपहर कम पड़ जाएगी. आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट तानाजी मालुसरे फॉर एवर. बट तानाजी वो जो कहा जाता है कि गढ़ आलापण सिंह गेला दैट इज़ वॉट इज सेड अबाउट तानाजी इन मराठी. बट वॉट इट्स मीन्स इज मेरा गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह चला गया इज़ वॉट छत्रपति शिवाजी राजे सेड. इट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन द हिस्ट्री दैट छत्रपति शिवाजी राजे डिड नॉट से दैट ही एक्चुअली वॉट ही सेड वॉट इज गढ़ आलापण गढ़ गेरा. मेरा एक गढ़ तो आ गया पर तानाजी वो अपने आप में एक गढ़ था. वो गढ़ में गवा बैठा. ऐसा ऐसा भी कहा जाता है कि राजे ने ऐसा कहा था. सो तानाजी अपने आप में एक गढ़ था. शिवाजी राजे के जो भी इसके पहले जो सारी मुहिम हुई थी उनमें उनका बहुत ही एक हाथ बार लाए साथ में रहे हैं. जब शिवाजी राजे ने रायरेश्वर के मंदिर के बाहर जब स्वराज की शपथ ली थी जहाँ से हिंदुस्तान के स्वराज की मुहिम की शुरुआत हो गई उस मुहिम के वक्त उस शपथ लेते वक्त वहाँ पे गिने चुने बहुत कम मावड़ा उपस्थित थे और उनमें तानाजी मालुसरे खुद उपस्थित थे. तो वहाँ से ही मतलब बचपन से ही वो शिवाजी राजे के बहुत करीबी दोस्त रहे हैं. उनके स्वराज के बहुत बड़े शिलेदार रहे हैं और उनके साथ में लड़ते आगे. और ये जब ये ऐसा बड़ी मुहिम आई जहाँ पे जान को खतरा होने की एक बात थी तो उसमें राजे खुद मुहिम का नेतृत्व करने वाले थे बट तानाजी ने ही टुक द बुलेट फॉर हिम. ही वेंट आउट एंड ही फॉट द बैटल फॉर हिज डियर फ्रेंड फॉर हिज सॉइल फॉर हिज मदरलैंड फॉर आवर मदरलैंड. एंड यू नो इफ दिस बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड विच इज़ द बैटल ऑफ सिंहगढ़ वॉट इज वॉट वी कॉल इट टुडे कोंडाना इज नोन एज सिंहगढ़. इफ द बैटल वुड हैव नॉट हैपेंड आई थिंक द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी द सदर्न इंडियन पेनिनसुला वुड बी वेरी डिफरेंट. The entire drive for the foreign invasion, for the Mughals' invasion, was to get access to the Arabian Sea.
and to get access to the Indian Southern Peninsula. If this war of Sinhagad, Kondhane ki ladhai agar nahi hui hoti, to the history and geography of our nation would be different. So I think keeping that in mind, Tanaji Malusare, who was a farmer at one point, you know, he was a father, he was a husband, he was a brother, he was Shivaji Raje's closest friend. I think the type of valor and the charisma that he showed at the battlefield is something that we want to tell people, and that's why we actually made this film. Hi, Seth. Hello, Seth. First of all, congratulations for an amazing trailer. My question is Seth sir and Ajay sir. If I'm not wrong, after 2003, जब हम पहली बार मिले सेट पे मुझे लगा कुछ ज़्यादा बदला नहीं थोड़े और शायद थोड़े और सीरियस हो गए मच्योर हो गए हैं थोड़ी अक्कल आ गई थोड़ी अक्कल आ गई है मतलब पहले क्या करते थे अरे पहले सो मच फन वी हैड टू मच फन बिफोर सेंसर हो जाएगा पता नहीं सर राजस्थान द डेजर्ट लवली इवनिंग्स वी हैड आई हैव ऑलवेज हैड अ रियली नाइस टाइम वर्किंग विद अजय बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी जेनरस एक्टर देयर हैज नेवर बीन एनी स्ट्रेस ऑन You know, mera role kaisa hai. Jab bhi maine kaam kiya hai, to mujhe, I've had the best roles in my career working with him. And that is a, I think it's a great thing. It's a really special thing. He's a really confident filmmaker and actor. And everybody, whoever's worked with him has really enjoyed the experience. And I'm happy. I think of him as a friend in the industry. And I've always enjoyed working. I think Saif ne itna keh diya, main jo kahunga, wo repeat hi karunga. I just love him. अजय जी वी गेट अलोंग वेरी हाई एट योर सेंटर जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन अपनी 100th फिल्म में आप अपनी लेडी लक के साथ काम कर रहे हैं और कितने सालों बाद काम कर रहे हैं वो एक एक कैसी मतलब ट्यूनिंग तो ऑफ कोर्स अमेजिंग है ही बट वो कैसी फीलिंग थी व्हेन यू हैव द बेस्ट लेडी ऑफ योर लाइफ इन योर 100th फिल्म आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज क्योंकि ऐसे लग रहा था कि घर पे ही है सेट पे नहीं है तो वी बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी ऑल्सो एंड वी बिहेव लाइक दिस एट होम ऑल्सो तो कोई ऐसा फर्क लगता नहीं सेफ 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 यू मेस्पराइज अस विद योर कैरेक्टर एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन बट या 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 सिमरन सिंह सो यू हैव मेस्पराइज अस एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन बट व्हेनेवर यू कम विद अ ग्रे शेड कैरेक्टर बीट ओमकारा और बीट न्योर इन तानाजी प्लेइंग उदय भान देयर इज समथिंग सो मच एक्साइटिंग इट कम्स लाइक अ न्यू एवटार ऑफ यू सो आप बताइए सो इज इट ट्रू दैट यू रियली एंजॉय प्लेइंग दिस ग्रे कैरेक्टर Yeah, maybe, you know, I guess they also must have thought of something when they asked me to do it. It's a very special role. Yeah, I think I do enjoy it. I don't know if I would enjoy only doing that. Mm-hmm. But once in a while to do that, I think is great fun. Yeah. And this is a very special part, the way Om has treated it and the way they have conceived it. It was Okay. Hi, Ajay sir. अजय सर एंड भूषण जी एक सवाल आपसे बनता है बीइंग अ प्रोड्यूसर एक वक्त था जब जो जो भी एक साल की शुरुआत होती थी लोग बड़ी फिल्में नहीं लगाते थे मतलब हम देखते आए हैं पीपल यूज टू कॉल इट एज अ जिंक्स वीक या पहला हफ्ता हम नहीं लगाते बट इट सीम्स इट्स अ ब्रेव डिसीजन ऑफ यू गाइज कि आप पहले हफ्ते ही आ रहे हैं 10 जनवरी को आ रहे हैं एंड देखा जाए तो इट्स नॉट अ रिपब्लिक वीकेंड ऑल्सो मतलब चाहते तो उस टाइम पर भी रिलीज कर सकते तो ये परसेप्शन के बारे में आप बताइए आई थिंक वो परसेप्शन बदल चुका है कि फर्स्ट वीक हाँ फर्स्ट वीक थोड़ा स्लो होता है बट दिस इज आवर सेकंड वीक तो आई थिंक लास्ट ईयर उरी आई थी ना लास्ट टाइम उरी आई थी 28 दिसंबर वो सिम्बा आई 10 को उरी आई दोनों चली वैसे टेंशन मत कूल सर थैंक यू हाय सैफ दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज हियर इन द मिडिल सैफ हम सब जानते हैं कि आप एक एविड रीडर हैं काफी किताबें पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज भी रखते हैं जब आपके पास ये किरदार आपको ये ऑफर हुई ये फिल्म तो क्या आपको इसके बारे में मराठा हिस्ट्री के बारे में उतना पता था जो किरदार आप निभा रहे हैं फिल्म में उस किरदार के बारे में पता था या ये फिल्म साइन करने के बाद में आपने और रिसर्च की और पढ़ा मैंने बहुत रिसर्च की मैंने जाके एक अमर चित्र कथा खरीदी जिसका नाम था तानाजी आई एम सीरियस एंड उसमें पूरी कहानी है यू नो बट लेकिन जब बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी तो ऑलमोस्ट द सेम मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कुछ अच्छी मॉडर्नाइजेशंस किए हैं कहानी में लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा लेकिन जब मैंने पढ़ी यू नो ऑब्वियसली द स्टोरीज अबाउट तानाजी बट उदयभान हैज़ अ वेरी लवली रोल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ राजपूत विलन्स रोल
which I was very excited to do. And I think jab hum Tanaji ki, I don't know if I'm saying the wrong thing, but if you think of Tanaji's story, you have to mention Uday Bhan. Yeah, it's incomplete otherwise. You know, so, and that was great as an actor. You know, I'm telling you, this film, the way it's mounted, the way it's created, I'm so happy today seeing this. I was not sure about 3D. I was not sure about how it's going to look. But I'm so, so pleased. This is going to be such a visual treat that I'm just happy to be a part of it. And I think a very nice part of it. Hello, Ajay sir. Well, she's very fond of Ajay. So she knew we would have a lot of fun, you know, and she's excited about the project. Hello, Ajay sir, here. नहीं ना मैंने सोचा था ना मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये 100 फिल्में मेरे लिए तो ये एक और फिल्म है और जो जितनी मेहनत 99 पे की थी या पहली पे की थी वही मेहनत यहाँ है और वही 101 पे भी करनी पड़ेगी तो हमारे लिए तो वही एक ही चीज़ है. हेलो अजय सर. शरद हाय. टारगेट मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हो और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए है, क्योंकि अगर कुछ गलती से हो गया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली हुई है? गलती से भी गलती ना हो, यही प्रिकॉशन ली है. नो नो, देखिए आप जब भी ऐसा कोई किरदार करते हैं आपको प्रिकॉशंस लेने ही हैं, उसके अंदर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है. वही किया है मैंने, ओम सर की बात मानी है, एक्टिंग करते वक्त भी या परफॉर्मेंस के टाइम भी, क्योंकि एक आंख का इशारा यहाँ से वहाँ हुआ तो भी वो गलत हो सकता है, इतनी बारीकी से डिटेल से बताया गया है. एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विथ, सो मुझे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से बता दिए गए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. हेलो जी. सी, हर फिल्म में म्यूज़िक नहीं, लेकिन इस फिल्म में म्यूज़िक बहुत बेहतरीन है. अजय सर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करवाया है. जो आप गाना ट्रेलर में देख रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन गाना है. तो आई थिंक इट्स अ म्यूजिकल ट्रीट आल्सो. हेलो अजय सर, दिस इज आकाश. सचिदन परंपरा हियर. आई थिंक दे द म्यूजिक फॉर दिस सॉन्ग. रॉक स्टार्स. हेलो अनिल जी रोट इट. रागी इज आल्सो हियर. हेलो, हाय अजय सर. Ajay sir, this is Akash from Mumbai Mirror. Hey, yeah, in front of you. Yeah, so I wanted to ask, while choosing a historical subject like this, how do you maintain a balance that it doesn't become offensive to someone? You have to be very careful. You have to be very careful and you have to be honest to history. So the fact is that, I mean, apart from being careful, we follow the history so that tomorrow if you have to question and answer, somebody raises a question, I mean, we can tell them that, okay, this is part of history, guys. So that's how you follow it. Ajay sir, on your right. Left. मेरा सवाल ये है कि काजोल फिल्म में काफ़ी अहम किरदार निभा रही हैं, तो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आई है, कोई खास वजह है? सर, गुड मॉर्निंग, वेक अप. अभी रोहित जी ने ये जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, जागिए. लेट कमर्स. विल जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चंस. हां आऊंगा सर, मैं आपके पास जरूर उधर से खत्म कर. रिसर्च का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं. जी तानाजी मालुसरे, ज्योति सुबेदार शिवाजी राजे की साथ थे और उन्होंने उनके साथ में पहले भी कुछ लड़ाइयाँ की हैं, कुछ जंग उन्होंने छेड़ी है. उसमें की कुछ जंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी. आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए, और उसके बाद में हम इसका सवाल ठीक तरीके से दे पाएँ. पर जो गुरिला वॉरफेयर है, जो मराठाज आर नोन फॉर गुरिला वॉरफेयर्स, the Mughals were mighty, they were huge, and the Marathas were very tiny. So that guerrilla warfare is something that you will see. Apni mind versus might, apni itni badi virudh jo sena thi, unke against mein apni dimag ko laga ke, apni mind ko laga ke, unhone kaisi
गुरिल्ला वॉरफेयर खेली है और जंग जीती है. दैट इज समथिंग दैट यू विल सी इन द फिल्म आल्सो. विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन. जी आप बोलना चाह रहे थे. बैठिए कैमरा. नहीं ये सवाल देखिए इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि एक नहीं मुझे नहीं पता इसमें इसका जवाब मेरे पास है नहीं. आई थिंक कुछ चीजें ऊपर वाला देता है आपके हाथ में नहीं होती हैं. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. ऑल राइट शुक्रिया शुक्रिया भैया. कच्चे धागे तू मैथ्स का पेपर छोड़ के गया फेल हो गया और बच्चा था. क्यों कॉन्शियस कर रहा है कि हम सब बुड्ढे हो गए. कमाल कर दिया छोरे ने. ऑल राइट सो नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन. सबसे पहले को प्रोड्यूसर से शुरू करूंगा. गिव इट अप फॉर मिस्टर कुमार मंगत लेडीज एंड जेंटलमैन. कम ऑन जोरदार तालियां हो जाए. कुमार सर के लिए जोरदार तालियां. गिव इट अप फॉर मिस्टर विनोद भानुशाली लेडीज एंड जेंटलमैन. अनदर रॉक स्टार ओवर हियर. Give it up for Mr. Vikrant Sharma, ladies and gentlemen. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे. This dream team और इसके जो बहुत अहम हिस्से हैं उनको बुला रहा हूं मैं यहाँ पे. And now it's time to invite on stage Senior VP Films T Series, Mr. Shiv Chananal. जोरदार तालियां उनके लिए. Another very creative gentleman, another rock star from Team T Series. And now to invite on stage the man who's behind all this, who's worked really closely with everyone over here, the writer of the film. Give it up for Mr. Prakash Kapadia, yeah. Ladies and gentlemen. Zordar taliya banti hai for the wonderful piece of work that we've just seen. Production designers, hamare Sujit and Shriram ji ke liye zordar taliya ho jaye. This kammal ka duo over here. The editor of the movie, ladies and gentlemen, naam mein kaafi dam hai. Give it up for Dharmendra Sharma ji. Come on, make some noise. VFX ke liye jo log yahan pe zimmedar hain, Mr. Prashad Sutar and Mr. Naveen Paul, unke liye zordar taaliyan ho jaye. Come on, make some noise, ladies and gentlemen. Taaliyan rukne nahi chahiye, bahut mehnat ki hai. Costume department, of course, when you make a film jo ki history mein aapko peeche le jaati hai, to costume ka bhi bahut ahem hissa hota hai. Nachiket and Mahesh ji ke liye zordar taaliyan ho jaye. Prasad and Naveen ji, congratulations to you. Puri team ke saath saath. Nachiket and Mahesh saab. Another very, very, very important part of this film. And hamari film ki DOP hai wo. Give it up for Kiko Nakahara, ladies and gentlemen. This rock star. जिनकी वजह से ये विजुअल ट्रीट हम सबको मिल रही है. गिव इट अप फॉर किको नाकाहारा लेडीज एंड जेंटलमैन. आई थिंक केको हैड टू रन. आई डोंट शी शेयर. आई थिंक शी केको रन. द लिरिसिस्ट जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, मिस्टर अनिल वर्मा, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. ऑफ कोर्स इस फिल्म का म्यूजिक भी एक बहुत अहम हिस्सा है एंड हमने देखा वो ऐसा मूछी को कैसे कर रहे थे हमारे तानाजी महाराज यहाँ पे. सो गिव इट अप फॉर सचेत परंपरा, ऑफ कोर्स द रॉक स्टार्स एंड ऑफ कोर्स मेहुल व्यास जी. कम ऑन मेक सम नॉइज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दीज वंडरफुल वंडरफुल म्यूजिक कंपोजर्स. कोरियोग्राफर हमारे साथ रंजू वर्गीज. गिव इट अप फॉर हर. कम ऑन रंजू जी के लिए जोरदार तालियां. शी इज हियर. Background score, another very, very, very important hissa of the film. Sandeep Shirodkar saab ke liye zordar taaliyan ho jaye. Come on. Come on, make some noise, yaar. Taaliyan matlab khushi ki baat hai. Achha lag raha hai. Also would like to invite on stage Mr. Neeraj Roy from Hangama. Another great support over here. Unke liye zordar taaliyan ho jaye. And now,
Come on, make some noise, ladies and gentlemen. Ek bar zordar taaliyan for this amazing dream team over here. The producers, the director, the actors, the technicians, everyone who's here. We'll do another quick photo up with the director, the producer, and the primary cast, right?